नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरए न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बताते चले जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स से भारत की शानदार खबर सामने आ रही है। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आपको बताते चले भावना ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है और इसी के साथ साथ अब टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम की दूरी भावना है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पैरालंपिक गेम्स 2020 से जुड़ी हुई अब तक पहुंचा रहे हैं भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने का ये बेहतरीन मौका है और इससे मात्र कुछ ही कदम की दूरी पर आपको बताते चले भारत की भावना पटेल हैं। भावना पटेल ने इतिहास रच दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आरएन न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। भावना टेबल टेनिस इवेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे जो फिरोजाबाद से आ रही है। शहर में डेंगू का कहर लगातार जारी है। अब तक 2 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। हिमाऊपुर में 1 वर्षीय बच्चे की डेंगू से मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोविड के बाद डेंगू ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है राज्यों में। फिरोजाबाद में आपको बताते चले 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे जो है वो डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। 1 वर्षीय एक मासूम बच्चे की डेंगू ने जान ले ली है। फिरोजाबाद शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नेशनल हाईवे पर डंपर आग का गोला बन चुका है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। डंपर ड्राइवर ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। जान आग लगने के बाद हाईवे का आवागमन जो है वो बाधित हो गया। सचिंडी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना है, जहां पर आपको बताते चले आग के हवाले जो है वो हाईवे कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आरा न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। डंपर ड्राइवर ने किसी तरीके से डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई है और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आग के बाद हाईवे का आवागमन जो था उसे रोक दिया गया, क्योंकि आग को काबू करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। सचिंडी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की यह घटना है, जहां पर आग का विकराल रूप देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर डंपर आग का गोला बन गया। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, वहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया और प्रत्यक्ष कक्षाओं को दोबारा शुरू करने पर चर्चा करने के लिए आंतरिक बैठकें करेंगे। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि सभी कॉलेजों को 1 सितंबर से दोबारा खोला जा सकता है, जिसके बाद इन विश्वविद्यालयों ने बैठकें करने का फैसला कर लिया। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर कोरोना वायरस के मामलों में कमी का हवाला देते हुए विज्ञान विषय के छात्रों के लिए प्रत्यक्ष कक्षाएं दोबारा शुरू करने की घोषणा कर दी। हालांकि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के एक वर्ग ने इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की थी। बाद में DU ने अपना यह फैसला स्थगित कर दिया। तो भारतीय मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अपने सप्ताह की शुरुआत में मौसम खराब रहने की आशंका जो है उसे जता दिया है। आपको बताते चलें IMD ने केरल में भारी बारिश की आशंका जताई है और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है।